हमारा देश एक उत्सव की तरफ आगे बढ़ रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी जन्म स्थली में विराजित होने को है। पूरे विश्व की निगाहें अब अयोध्या पर टिकी हुई है। ऐसे में इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने को न सिर्फ हिंदू बल्कि हमारे देश के अमन पसंद मुस्लिम भी तैयार है। एक तरफ रूबी खान भगवान श्री राम की पूजा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ शबनम शेख मीलों पैदल चलकर भगवान राम के दर्शन को अयोध्या पहुंच रही है। इतना ही नहीं, देश के मस्जिदों में जय श्री राम का जाप करने की मांग तक की गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि अब देश राममय होने लगा है। हालांकि देश में अब भी कुछ ऐसे नेता हैं जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और हिंदू मुस्लिम में दो फाड़ करा देना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में राम मंदिर के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने वाला भाषण दिया और ये तक कह डाला कि उनसे मस्जिद छीनी गई है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। लेकिन ओवैसी के इस बहकावे में अब चंद कट्टरपंथी ही आते हैं। उनकी बात का असर अब अमन पसंद मुस्लिमों पर होता ही नहीं। भारत के मुस्लिम अब इस साजिश को समझ चुके हैं और वो एकता और प्रेम से रहना चाहते हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश के हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी खुश नजर आ रहे हैं। तभी तो कभी फूल बरसा कर खुशी का इजहार करते हैं तो कभी रामलला के मंदिर में विराजने का इंतजार करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता रूबी आसिफ खान ने अपने घर पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि वह 22 जनवरी तक अपने घर पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर दर्शन को भी जाएंगी। बता दें, रूबी आसिफ ने कहा कि उन्होंने 5 अगस्त 2020 को ये मनोकामना की थी, ये मन्नत मांगी थी कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर उसी स्थान पर बने जहां उनका जन्म हुआ था। उन्हें लगता है कि उनकी मनोकामना पूरी होने जा रही है, इसलिए 1 से 22 जनवरी 2024 तक अपने घर पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करती रहेंगी। राम की पूजा की है। मैं मुस्लिम महिला होने के साथ साथ एक भगवान श्री राम की भक्त हूँ, इसलिए मैं भगवान श्री राम की पूजा भी करती हूँ। जिस टाइम भगवान श्री राम की मंदिर की नींव रखी गई थी, आज से लेकर मैंने जब से भगवान श्री राम से मनोकामनाएं मेरी यही थी, प्रार्थना थी कि जल्द से जल्द भव्य मंदिर बने, भगवान श्री राम उसमें विराजें और मुझे बहुत खुशी होगी। आज वो मेरी मनोकामना पूरी होने जा रही है, जल्द से जल्द और पूरी होगी। ये पूजा 1 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक चलती रहेगी, इसी तरह जब तक भगवान श्री राम विराजमान नहीं हो जाते। उन्होंने अपने मुस्लिम महिलाओं के साथ भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की और आपसी प्रेम का इस दौरान संदेश भी दिया। साथ ही साथ रूबी ने भगवान श्री राम के लिए कहा कि हम श्री राम के हैं और श्री राम सबके हैं। भगवान श्री राम जल्दी अपने स्थान पर विराजमान हो और वह अपने परिवार के साथ 22 जनवरी को जल्द ही उनके दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से उन्होंने अपील की है कि जिस तरह भगवान राम को अपना स्थान भावी श्री राम मंदिर के रूप में मिला है, ठीक ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को भी उनका स्थान दिया जाए। हालांकि इस दौरान रूबी ने ये तक कह डाला कि शाही ईदगाह को ध्वस्त कर उनका मंदिर निर्माण कराया जाए और भगवान श्री कृष्ण को वहां विराजित किया जाए। भगवान श्री राम का मंदिर बनाकर उनको विराजमान करने की ठानी है, वही भगवान श्री कृष्ण जी को उनका विराजमान करें, उनका स्थान उनको वापस दिलाएं, शाही ईदगाह तोड़वा कर मंदिर बनवाएं और उनका स्थान उन्हें वापस दिलाएं मथुरा की। बता दें, रूबी को पहले भी भगवान बिठाने के लिए कट्टरपंथियों ने उनके और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। 22 जनवरी को देश एक बार फिर से दीपावली मनाने जा रहा है। 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है तो वहीं आपस की नफरत की दीवारें भी अब ढहने लगी हैं। रामलला के आगमन के साथ साथ अब राम राज्य भी स्थापित होने लगा है। चंद कट्टरपंथी इस देश में जहर घोलने की चाहे कितनी भी साजिशें कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन आपसी भाईचारे की चाहत रखने वाले अब मिलजुल कर इस देश के विकास को
गति भी देंगे और रामलला का स्वागत भी करेंगे। इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।